जनता की भी जानकर हैरान कि कौन किसको जगा रहा है और प्रशासन जनता को बेवकूफ बना रहा है। कोई नहीं है सुनने वाला अधिकारी, ना सरकार और ना जनता के चुने प्रतिनिधि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाचरूद की जानदार प्रशासनिक व्यवस्था की, जनता के वोट से जीते हुए जनप्रतिनिधियों की और उन्हें सहयोग करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की। मामला खाचरूद स्टेशन रूट पर अमानक स्पीड ब्रेकर बनाए गए, जिनसे कोर्ट, तहसील, जनपद और विद्यालय को सुरक्षित करने के लिए वाहन गति धीमी हो, लेकिन इन पर संकेतों का निशान लगाना भूल गए। जहां आए दिन दोपहिया वाहन से महिलाएं और पुरुष की दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन और जिम्मेदारों को जगाने के लिए भाजपा के वयोवृद्ध वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एसडीएम साहब को बताया तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को बोला, विगत एक माह से नहीं सुनी, स्वयं लगी सड़क को पोतने फिर भी नहीं सुना, तो 15 दिन बाद फिर पोतने लगे। पत्रकारों ने उनसे कार्य का पूछा और सरकार के नुमाइंदे का पूछा रहे थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के समर्थक, जो स्वयं इसी ब्रेकर से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, वो भी बोलने लगे। फिर क्या था, दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस इकट्ठे, एक सरकार समर्थक तो दूसरे विधायक समर्थक से अमानक स्पीड ब्रेकर पर प्रशासन के जवाबदेही की अनसुना और अनदेखी करने पर जनप्रतिनिधियों पर बोल नहीं पाए। देखिए वीडियो प्रशासन को जगाने का और जवाब सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ हैं सदस्य भानुखला जी भंडारी साहब, इन्होंने आज 15 दिन पहले भी लगाए थे यहाँ पर, ठीक है। इनकी सरकार है और इनकी सरकार में इनकी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं, इनका कोई मायना नहीं है। क्या सबसे आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? आपका पूर्व कांग्रेस के इशारे से ये काम प्रशासन को करना चाहिए था, फिर भी उनकी उदारता है। बाकी कायदे से उनको प्रशासन पे दबाव डाल के पूरा हिलाने की ताकत वो रखते हैं, और उस आधार पे जब यह घटना हो चुकी पहले भी, एक डॉक्टर के टांग टूट गए साले चा की। माफ कीजिए, मैं आपसे आप कांग्रेस से ताल्लुका रखते हैं जी, आपके विधायक हैं क्षेत्र के अंदर, क्या विधायक यहाँ पे नहीं आते उनके कार्यालय पास में, उनको दिखा नहीं तो वो अधिकारी बोल सके? उनने भी देखा होगा तो वो नहीं बोल, विधायक आपके विधायक भी नहीं बोल सके, मतलब प्रशासक के ऊपर सब अभी तक कोई चर्चा नहीं। जब आप बता रहे हैं कि आप गिर चुके हैं, आपके पाँव में लगी है, आपने आपके विधायक ने उनको कोई जानकारी नहीं दी इस बारे में, आपको दे रहा हूँ पहली बार। नहीं तो विधायक महोदय, अखबार या टीवी मीडिया कुछ देखते होंगे, जिससे मालूम भी पड़ा होगा उनको। कोई आया ही नहीं ना इसके समय? नहीं आया है साहब, के अनुगलाल भंडा जी भाजपा के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, वयोवृद्ध हैं, जिनको सम्मान भी दिया था, उनकी खबर भी लगी अखबार के अंदर। और हाँ, तो आपके विधायक को ये नहीं पता चला? ठीक है, इनकी भाजपा सरकार नहीं सुन रही है, विधायक तो आपके हैं। विधायक हमारे सक्रिय उठाते रहते हैं, उनके ज्ञान में यदि नहीं लाया गया और उनने नहीं किया हो तो उसके बारे में, मतलब कुल मिला के कि जनता किसी भी सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, प्रतिनिधि के तौर पे मैं खुद एसडीओ पीडब्ल्यूडी से मिला हूँ। क्या आपकी भी सुनी? आपकी भी सुनी प्रशासक ने? आपकी भी सुनी है, सही बात। आप क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई होना चाहिए, आप भी मीडिया के हैं, मीडिया तो हम तो करेंगे, आपको भी करना चाहिए। आपकी सरकार है, आपके विधायक यहाँ पर, सरकार नहीं हमारी, निकालते रहो। आप बोल बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा? हाँ जी, अनोखी लाल भंडारी। हाँ, ये जो आप क्या कर रहे हैं रोड पे? भैया यहाँ हमारे दो पांच वकील लोग और एक डॉक्टर, एक्सीडेंट हो गया, उसका डॉक्टर साले जगह 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। कुछ दिन पूर्व भी आपने अखबार में आया था कि वरिष्ठ भाजपा के अनुग्रह भंडारी जी ने चुना पोता है, तो आप वही हैं? वही, मतलब आपकी सरकार है और आपकी सरकार में सरकार प्रशासन प्रशासन सोया हुआ है, आप क्या जताना चाहते हैं? हम तो जनता की सेवा में लगे हैं, जनता को तकलीफ नहीं हो, सरकार करे या न करे, हमारा तो कर्तव्य है। बाकी जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनसे बात करिए, आपने आवेदन ज्ञापन सब दे दिए हैं, आपकी सरकार भाजपा की सरकार शिवराज के सुशासन में किस तरह प्रशासक काम कर रहा है? भैया जो एक बात है, प्रशासक की क्या क्या रवैया होना चाहिए आपके प्रति? उनका ये कहना है कि हम वो बशीर आएगी उससे करेंगे, तो बशीर आए तो कहें कितने लोग मर जाएंगे वापस, एक्सीडेंट हो जाएंगे, मशीन तो महीना भर हो गया, मशीन आएगी, मशीन से करेंगे, अपन ने कहा अपन हाथ से ही कर दो। मतलब आप कुल मिला के ये है कि आपकी जो नगर परिषद है या जो स्थानीय पीडब्ल्यूडी की सड़क है, स्थानीय प्रशासक तो जो भी हो, आप जैसे आप घर से बाहर निकल के आए, आपने घर से बाहर निकल के आप रोड पे आए हैं समाज सेवा के लिए, आप घर से बाहर निकल के अपना समय खराब करके, वकील साहब भी अपना समय खराब कर आए हैं, ठीक है। इसके पहले आप ये काम कर चुके थे, लेकिन आपके राज्य में भाजपा सरकार जो है उसके राज्य में प्रशासक नहीं सुन रहा है, तो उसके प्रति क्या होना चाहिए? देखो एक बात है, हम तो सोए हुए को जगाने का काम कर रहे हैं, नहीं जागेंगे तो क्या जागेंगे, तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो खाली बजाएंगे,
धरना देंगे। मतलब जिस तरह कोरोना भगाया से इन्हें अधिकारियों को भगाओगे आप? भगाएंगे उनको, काम उनसे काम करवाएंगे।